तो वहीं बीजेपी राजस्थान में 15 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है। बीजेपी ने नए और पुराने चेहरों पर दांव खेला है, लेकिन कांग्रेस की अभी तक कोई भी सूची नहीं आई है। बीजेपी ने अपने 15 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, जो राजस्थान के अंदर में 25 लोकसभा सीटों में 15 सीटों का ऐलान कर चुकी है भारतीय जनता पार्टी। उसमें कुछ चेहरे नए हैं और कुछ पुराने चेहरों पर दांव खेला गया है, लेकिन वहीं कांग्रेस की अभी तक एक भी लिस्ट नहीं आई है। अगर हम बात करें विधानसभा चुनाव के, तो विधानसभा चुनाव के अंदर में कांग्रेस ने आचार संहिता लगने के बाद में ही उम्मीदवारों की घोषणा की थी, तो क्या इस बार भी कांग्रेस आचार संहिता लगने के बाद अपने प्रत्याशियों की घोषणा करेगी? क्योंकि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने नए प्रत्याशियों और पुराने प्रत्याशियों दाव खेला है, उसको देखते हुए कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी संकट की घड़ी आ गई है सामने, क्योंकि उन प्रत्याशियों के सामने किन चेहरों को नया टिकट दिया जाए। जैसे कांग्रेस सरकार में कई बार मंत्री भी रहे और महेंद्रजीत सिंह मालवीय, जो अब बीजेपी का दामन थाम चुके हैं, उन्हें बागीदौड़ा बांसवाड़ा से लोकसभा का उम्मीदवार बनाया है। वैसे ही नागौर से ज्योति मिर्धा को सांसद का चुनाव टिकट दिया गया है, क्योंकि पहले वो कांग्रेस में थी, कांग्रेस की टिकट पर सांसद भी रह चुकी है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की तो घोषणा कर दी है, लेकिन अब कांग्रेस के लिए संकट की घड़ी ये है कि इन प्रत्याशियों की टक्कर में किन प्रत्याशियों को मैदान में उतारा जाए, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव बहुत धीरे धीरे नजदीकी की ओर आते जा रहे हैं और कुछ आने वाले समय के अंदर में आचार संहिता लग जाएगी और कांग्रेस मंथन पे मंथन किए जा रही है। हमारी कांग्रेस नेताओं से बात हुई है तो उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मुंबई में खत्म होने के बाद शायद राजस्थान की पहली लिस्ट की घोषणा हो सकती है। कैमरामैन घनश्याम के साथ मनोज शर्मा, एएमबी नेटवर्क, जयपुर। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए एएमवी नेटवर्क। नमस्कार।